डलहौजी ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र निवासी खिलाड़ी वरुण कुमार शर्मा आज शाम स्थानीय विधायक आशा कुमारी से मिलने उनके निवास स्थान जंदरी घाट पैलेस पहुंचे। उनके साथ उनके पिता ब्रह्मानंद और माता शकुंतला देवी भी थी। पैलेस पहुंचने पर विधायक आशा कुमारी एवं वहां उपस्थित भारी जनसमूह ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक आशा कुमारी ने टोपी शाल पहनाकर और चंबा थाल भेंट कर वरुण कुमार को सम्मानित किया। इस अवसर पर वरुण कुमार ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक मेहनत करें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, और साथ ही उन्होंने सरकार से भी मांग की कि सरकार भी सभी उचित संसाधन मुहैया करवाएं जिससे कि युवाओं का खेलों के प्रति रुझान और बढ़ सके। इस अवसर पर विधायक आशा कुमारी ने वरुण शर्मा का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें बहुत अधिक खुशी है कि उनके अपने क्षेत्र का लड़का आज इस मुकाम तक पहुंचा है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारतीय टीम अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाएगी। यहाँ की पब्लिक की ओर से जन जन जो है इनके लिए शुभकामनाएं करता है, और हम उम्मीद रखते हैं कि अगली ओलंपिक्स में जो टीम गोल्ड मेडल जीत के आएगी उसका हिस्सा भी जो है वरुण होंगे। मैडम, युवाओं को आप वरुण कुमार जी के माध्यम से क्या प्रेरणा देना चाहते? देखिए, मैं तो पहले विधानसभा में भी इस बात को कहा कि ये हमारे इलाके के व्यक्ति को, क्योंकि इनके पिता जो हैं ब्रह्मानंद जी वो जलंधर में कुछ बिजनेस करते हैं, उसकी वजह से इनको फैसिलिटीज़ वहाँ मिल पाई। मैं तो यही चाहूँगी कि हमारी सरकारें जो हैं अभी भी और आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश में इस स्तर की फैसिलिटीज़ क्रिएट करें, और मैं चाहूँगी कि वरुण जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक मिसाल बने कि एक छोटे से गांव, फाटी जैसे गांव, कलंदर छोटे जैसे गांव, छोटी जैसी पंचायत, बैकवर्ड इलाका चंबा, वहां का एक युवा जो है ओलंपिक की टीम में मेडल जीत करके आया है, तो युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है। और मैं समझती हूं कि हिमाचल प्रदेश में इनका नाम बहुत ही गौरव के साथ हर व्यक्ति लेता है। वरुण जी, जैसे कि आप हिमाचल आए हैं, अपने एरिया में आए हैं, तो आपको यहाँ लोगों को भरपूर प्यार मिला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैडम का, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया और ऑनर किया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और घर जैसा लग रहा है। मतलब मुझे यहाँ के लोगों ने प्यार देना ही था क्योंकि मेरा घर है ये, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि ऑनर कर रहे हैं सभी, तो सम्मान मिल रहा है मुझे। तो बाकी रही बात आने वाली कि नेक्स्ट ओलंपिक में पक्का गोल्ड मेडल लेके आएंगे, तो बस यही मेरी थैंक यू। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आपका संदेश? युवा पीढ़ी के लिए बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो है वो अपना खेल में ध्यान दे, और जो स्पोर्ट्स मतलब जो लोग बाहर जाके करते हैं उनको बाहर ना जाना पड़े यहीं पे। डलहौजी से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता अश्वनी साहिल की रिपोर्ट।